वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने अपने दम पर ही 300 का आंकड़ा पार कर लिया। बीजेपी की इस आंधी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वे मध्य प्रदेश की अपनी गुना सीट से हार गए। उन्हें हराया बीजेपी के कृष्णपाल यादव उर्फ केपी यादव ने। केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1,00,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। इसके बाद केपी यादव की एक फोटो वायरल होने लगी, जिसमें वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोटो में दिख रहा है कि ज्योतिरादित्य अपनी गाड़ी में बैठे हैं और केपी यादव बाहर खड़े होकर ही दूर से उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोटो को खुद ज्योतिरादित्य की पत्नी प्रियदर्शनी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद केपी यादव के बारे में जानने के लिए लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ गई। कौन है केपी यादव जिन्होंने रजवाड़े के इस मजबूत किले को भेदने का काम किया? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। केपी यादव पेशे से एक MBBS डॉक्टर हैं। वे पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। उनके पिता भी अशोक नगर से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। केपी यादव सिंधिया के बेहद करीबी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो केपी यादव सिंधिया के चुनावी रणनीतियों पर बारीकी से नजर रखते थे और इसी के साथ ही वे सिंधिया फैन क्लब भी चलाया करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने के बाद उन्होंने मुंगावली विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन उन्हें उपचुनाव लड़ने से रोक दिया गया और टिकट किसी और को दे दिया। इसके बाद केपी यादव का मन कांग्रेस से खट्टा हो गया और वे बीजेपी में शामिल हो गए। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके करीबी फॉलोअर के रूप में कभी केपी यादव काम किया करते थे, उन्हीं के सामने साल 2019 के चुनावी मैदान में बीजेपी ने उन्हें गुना सीट से उतार दिया। केपी यादव को जिताने के लिए बीजेपी ने भी पूरी जान झोंक दी थी। योगी आदित्यनाथ से लेकर स्मृति ईरानी तक कई बड़े नेता गुना सीट पर प्रचार करने के लिए आए। केपी यादव ने सिंधिया का विजय रथ रोकने के लिए इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। आज तक में छपी एक खबर के मुताबिक उसी समय ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें कहा गया था कि जो कभी महाराज के साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन में लगे रहते थे, उन्हें ही बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन केपी यादव की जीत के बाद प्रियदर्शनी का ये पोस्ट उन्हीं पर भारी पड़ गया। केपी यादव की जीत के बाद ये फोटो वायरल होने लग गया था। जीत के बाद केपी यादव ने इंडियन एक्सप्रेस से विशेष बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ वह ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे काम से जाने। मैंने अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मेरे और सिंधिया के बीच किसी भी तरह की कोई निजी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने मुझे जीत की बधाई दी है और मैंने भी उन्हें धन्यवाद भिजवाया। मैं जल्द ही उनसे मिलूंगा। वे मुझसे काफी सीनियर नेता हैं। वे 4 बार सांसद रह चुके हैं, इसलिए मैं उनसे मार्गदर्शन लूंगा। इंटरव्यू में केपी यादव ने ये भी कहा कि अब देश में परंपरागत सीट जैसा कुछ भी नहीं है। अब देश में लोकतंत्र है और सोशल मीडिया से गांव में बैठे लोग भी ये जानते हैं कि देश भर में क्या हो रहा है। जब केपी यादव से ये पूछा गया कि उन्हें कब लगा कि वे सिंधिया को हरा देंगे, तो उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही बीजेपी ने 2019 में मध्य प्रदेश को जीतने की तैयारी शुरू कर दी थी। बीजेपी ने असेंबली लेवल पर टीमों का गठन किया, जिससे पता चला कि उन्हें क्या कुछ और करने की जरूरत है। इन सर्वे में सामने आया कि बीजेपी 16,000 वोटों से यहां आगे हो सकती है, जिसके बाद उन्हें पहले ही चुनाव जीतने का भरोसा हो गया था। गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर सिंधिया परिवार का हमेशा से कब्जा रहा है। इस सीट पर सिंधिया परिवार के सदस्यों को पिछले 20 में से 14 चुनावों में जीत मिली है। वहीं गुना सीट से तो सिंधिया परिवार का कोई भी सदस्य आज तक हारा नहीं है। जब केपी यादव को बीजेपी ने सिंधिया के सामने मैदान में उतारा, तो माना जा रहा था कि सिंधिया यहां पर आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट और सिंधिया तकरीबन 1,00,000 से भी ज्यादा वोटों से हार गए।
केपी यादव की जीत ये बताती है कि रसोख लोकतंत्र में काम नहीं करता है। जीत की कमान यहाँ सिर्फ जनता के हाथ में होती है, इसलिए हर सांसद को अब काम करना ही पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।